सब लोग, मैं हूँ पिंकी। पिंकी किचन में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे एक रेसिपी हम शेयर करने जा रहे हैं। अगर मेरी रेसिपी आप सब लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मटन को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। मैंने मटन लिए हैं करीब हाफ के जी मटन से मटन करी बनाएंगे। मस्टर्ड ऑयल में मटन को बनाएंगे। मसाले में लिए हैं मैंने हल्दी पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, तेज पत्ता 1 स्पून करके मैंने मसाले को लिए हैं सब। शाही गरम मसाला हमें चाहिए। मैंने आलू लिए हैं, टमाटर लिए हैं, प्याज लिए हैं 10-12, इसे अच्छी तरह से चॉप कर लिए हैं मैंने। आलू लिए हैं, इसमें बीच में से कट कर दिए। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिए हैं। हाफ के जी मटन में मुझे जितना चाहिए उतनी ही मैं ले रही हूँ, क्योंकि हम इसे पतला ग्रेवी बनाएंगे। बंगाली में इसे कहते हैं आलू मटन के पतला झोल। आलू और मटन की पतला ग्रेवी, पतला झोल बनाने के लिए मुझे जितना मसाला चाहिए मैंने मेरे हिसाब से उतनी ही ले लिए हैं। अभी मस्टर्ड ऑयल डाले हैं मैंने, स्वाद अनुसार नमक डाले हैं। सारे मसाले को अभी अच्छे से मिक्स कर लिए हैं मैंने। कढ़ाई बिठा के मैंने आलू भी फ्राई कर लिए हैं। अभी इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। उसी पैन में फिर से मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, तेज पत्ता डाल दिए हैं मैंने, गरम मसाला डाल देंगे अभी। फ्लेम को हाई करते हुए इसे अच्छी तरह से चलाना है। अभी हम इसमें कटे हुए प्याज को भी डाल दे रहे हैं। इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी होते हैं और समर सीजन में खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये पतला झोल राइस के साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे। किसी दिन मैं आपको इसकी ग्रेवी भी बना के दिखाऊंगी। देखिए प्याज मेरे भून रहे हैं। ब्राउन कलर आने के बाद अभी हम मैरिनेट किया हुआ मटन को भी डाल देंगे। आलू भी डाल देंगे एक साथ, क्योंकि मटन पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आलू भी डाल दिए, जल्दी एक साथ बन जाएंगे। इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद टमाटर भी हमने ऐड कर दिए हैं। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। बिना पानी से अभी हम इसमें ढक्कन लगा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, अभी देखते हैं। देखिए मटन से तेल छोड़ने लगे हैं। अभी हम चलाते हुए थोड़ी देर तक और भूनेंगे इसको। कलर भी बहुत सुंदर आते हैं, तेल भी छोड़ दिए हैं। अच्छी तरह से मुझे मसाले के साथ इसे पकाना है। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये पतला झोल होगा, मटन झोल, आलू मटन की झोल होगा। अभी हम इसे पकने के लिए फिर से ढक्कन लगा देंगे। फ्लेम को लो करके
ढक्कन लगा देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद देखिए कितने सुंदर से बन गए हैं मटन करी। अभी हम गरम मसाला ऐड करेंगे। हो गए हैं मेरा मटन करी। अगर मेरा रेसिपी आप सब लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे मटन करी कैसे बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।